हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड अमाइड्स के ऊपर। एसिड अमाइड इज नथिंग बट एसिड डेरिवेटिव्स। हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स। लेकिन इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है मैंने एसिड डेरिवेटिव्स के ऊपर, जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है। आप उसको जरूर देखिए बिफोर यू सी एसिड अमाइड्स, राइट। एसिड अमाइड ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, जिसका फॉर्मूला है RCONH2। इज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, RC OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके NH2 लगाया तो देर इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, राइट। विद दिस इज अमाइड एंड IUPAC में जब हम इसको नॉमेनक्लेचर में नाम देते हैं तो वी कॉल इट एज अल्केनामाइड, राइट। इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, डिपेंडिंग ऑन वट एवर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हम झटपट स्टार्ट करते हैं पढ़ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये प्रिपेयर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड से, राइट। अमाइड हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर पढ़े तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको रिएक्ट कर लेंगे हम अमोनिया के साथ, राइट। हमको क्या मिलेगा, देर इज लॉस ऑफ, इधर से एक H, इधर से एक OH, देर इज लॉस ऑफ HOH, क्या बच गया, RC OH, यहाँ पर क्या है NH2, राइट। दिस इज हाउ अमाइड इज फॉर्म। और ये बात हम अपने अपने बेसिक कंसेप्ट में हम ये समझ चुके कि कोई भी डेरिवेटिव बनाने के लिए हम पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते या फिर हम किसी भी और डेरिवेटिव को इंटर कन्वर्ट कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लू अनहाइड्राइड RCOOC OR, फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम रिएक्टिंग इट विथ अमोनिया, सो वॉट विल हैपन, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RC OO, इसका NH2 मतलब अमाइड, इसमें बचा क्या H, तो HOC OR। हर बार जब जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा साइड प्रोडक्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया। जैसे हमने यहाँ पर एनहाइड्राइड के साथ बनाया, वेरी कन्वीनियंटली हम एसिड हैलाइड के साथ या ईस्टर के साथ भी अमाइड बना सकते। सपोज आई टेक एसिड हैलाइड RC OOCl एंड आई रिएक्टेड विथ अमोनिया। जब जब मेरे को अमाइड बनाना है आई हैव शुड बी रिएक्टिंग इट विथ अमोनिया ओनली, राइट। व्हाट डू आई गेट, RC OO NH2 और बचा कौन, HCl, काम खत्म। अगर मैंने इस रिएक्शन को ईस्टर के साथ भी रन किया, ये भी एसिड डेरिवेटिव है RC OOR, सपोज अगेन मैं रियूज कर रही हूँ कौन, अमोनिया, तब क्या होगा RC OO, ये OR बाहर जाएगा, इसमें से NH2 आ गया, यहाँ बचा H, यहाँ पर बचा OR, तो ये बन गया ROH। ईस्टर के साथ हमेशा साइड प्रोडक्ट अल्कोहल, एनहाइड्राइड के साथ हमेशा साइड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड के साथ हमेशा HCl, राइट। तो दिस इज हाउ, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे किसी को भी और तुम्हारा डेरिवेटिव बनाओगे तो साइड प्रोडक्ट विल बी वाटर। सो दिस इज हाउ वेरी कन्वीनियंटली फ्रॉम एसिड वी कैन क्रिएट एनी एंड एवरी डेरिवेटिव, और सारे डेरिवेटिव्स आर इजिली इंटर कन्वर्टेबल। ये तो बात हो गई हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइड की। अब हम मूव करते हैं रिएक्शंस पर। हम लोग यहां पर जो बेसिक रिएक्शन है कि भाई अमाइड है तो अमाइड्स, फॉर एग्जांपल अमाइड कैन बी वेरी इजीली कन्वर्टेड बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड और एनी डेरिवेटिव। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड हैलाइड, इट कैन बी कन्वर्टेड एसिड एनहाइड्राइड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईस्टर। तो ठीक है, उसके बारे में न बात करते हुए हम सिर्फ देख रहे हैं कि अमाइड कैसे RC OO NH2 को मैंने किया समझो हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोई भी डेरिवेटिव को अगर मेरे को वापस एसिड बनाना है तो मैंने एक ही काम करना चाहिए, हाइड्रोलिसिस। फिर वो एसिड हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, अमाइड हो, ईस्टर हो, कोई भी, मैंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो RC OO OH यहां से, और बचा कौन, NH2+1 NH3। ये हो गया पहला रिएक्शन ऑफ अमाइड, दैट इज हाइड्रोलिसिस, दैट इज हाइड्रोल। सीधी सी बात है, बस एसिड से उनके डेरिवेटिव्स बनते हैं और डेरिवेटिव्स आर ऑल इंटर कन्वर्टेबल,
which will be considered as reactions of those derivatives, right? अब कुछ यूनिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो अमाइड दिखा था. एक रिएक्शन रिडक्शन, जो यूनिक है अबाउट अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड. देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिड्यूस होता, राइट, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होता तब हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन मिलता, जो और रिड्यूस होने से अल्कोहल मिलता. हम अपने एक वीडियो जनरेट किया जिसमें हमने एसिड हैलाइड की बात की थी, वहां पर भी जब एसिड हैलाइड रिड्यूस होता तो इट ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड एंड दैट फर्दर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. लेकिन अमाइड, दो इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, व्हेन दिस अमाइड अंडरगोज रिडक्शन इट डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन. देखो रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ प्रोटॉन्स. सोचो, ऐसे इमेजिन करो कि हमने यहां पर प्रोटॉन ऐड कर दिए, तो मतलब रिएक्शन कौन सा होगा? रिडक्शन. सोचो ऐसे, मैं ये स्टार बना रही हूं जहां पर मैंने प्रोटॉन लगाने हैं. दो 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 स्टार इस कार्बन पे, दो स्टार इस ऑक्सीजन पे. सोचो मैंने ऐसे, ऐसा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है लेकिन मैंने चार हाइड्रोजन ऐड कर दिए, मतलब रिएक्शन है क्या? रिडक्शन. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? आर सी एच टू. देखो दो हाइड्रोजन लगने से सी एच टू NH2 प्लस दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर लग गए तो H2O इज लॉस्ट. सो द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइड विच इज यस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन हमको क्या मिल रहा है यहां पर? हमको मिल रहा है कौन? अमाइन. वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम अमाइड, वी आर गेटिंग अमाइन. इज इट क्लियर एवरीबडी? सो दिस इज अबाउट रिडक्शन. ये एक यूनिक टाइप का रिएक्शन है जो अमाइड बताता, रिडक्शन. इट डज नॉट गिव यू एल्डिहाइड और कीटो. वन मोर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज दैट वी आर गोइंग टू टेक फॉर अमाइड इज कॉल्ड एज हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड. हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड, राइट. यहां पर समझ लीजिए हमारा ये अमाइड है R C डबल बॉन्ड O NH2, राइट. इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं किसको? ब्रोमीन को. और इसको रिएक्ट करते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, राइट. यहां पर मेरे को इस रिएक्शन में मेरे को मिलता है R NH2. देखो यहां पर था R CO NH2, तो मेरे को रिएक्शन में मिलता है क्या? अमाइन फ्रॉम अमाइड. देखो ये दोनों रिएक्शन का फर्क समझो. यहां पर अमाइड से मेरे को अमाइन ही मिल रहा था, यहां पर भी अमाइड से अमाइन, लेकिन ये जो मेरे को अमाइन मिला इट इज कंटेनिंग वन कार्बन लेस, राइट. इट इज कंटेनिंग वन कार्बन लेस. ये सी डबल बॉन्ड हो गायब हो गया, राइट. जब हम इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे देयर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इवॉल्व हो जाएगा और उड़ जाएगा सिस्टम में से बाहर. तो दिस इज गेटिंग, इन दिस वी आर गेटिंग वन कार्बन लेस, राइट. वी डू नॉट कॉल दिस रिएक्शन एज रिडक्शन. यहां पर कोई गेन ऑफ प्रोटॉन्स नहीं हुआ है, यहां पर सिर्फ क्या हुआ है? एक कार्बन को निकाल के सिस्टम में से बाहर कर दिया है, ठीक है. कैसे करते हैं, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, आई विल बी पब्लिशिंग अ वीडियो ऑन हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स. बट यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि ये रिएक्शन अमाइड्स की है, जहां पर रिएक्शन को डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल टूट रहा, छोटा हो जा रहा, राइट. तो हेंस इट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन. और इस रिएक्शन की खासियत क्या है समझ लीजिए. आपने प्रोपेनामाइड से स्टार्ट किया तो आपको मिलेगा इथेनामाइन. अगर आपने हेक्सेनामाइड से स्टार्ट किया आपको मिलेगा पेंटेनामाइन. मतलब हमेशा प्रोडक्ट विल कंटेन वन कार्बन लेस. अगर मेरे को चाहिए हेप्टेनामाइन तो मैंने यूज करना चाहिए ऑक्टेनामाइड. मैं डायरेक्टली वही के वही अमाइड नहीं यूज कर सकती बिकॉज दिस इज अ डिग्रेडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है. वील बी टेकिंग अ वीडियो ऑन मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन सेपरेटली. अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ अमाइड्स ओनली. ये दोनों रिएक्शन कंपेरेटिव है. ये रिडक्शन है इसमें भी अमाइन मिल रहा, और ये डिग्रेडेशन है इसमें भी अमाइन मिल रहा, लेकिन अमाइन में फर्क है, देयर इज वन कार्बन लेस, ठीक है. ये हो गया जो यूनिक रिएक्शन है अमाइड के. एक और यूनिक रिएक्शन दैट अमाइड शोज
is called as dehydration using P2O5. The last reaction that we are going to take for amides, that is dehydration using phosphorus P2O5. Dehydration reaction by using P2O5. Now how this reaction occurs? This is my example, amide, C double bond O, NH2. हम एकदम आसान तरीके से रिएक्शन कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन यूजिंग P2O5. डिहाइड्रेशन का मतलब जितना आसान है हम उस रिएक्शन को उतने ही आसान तरीके से पढ़ लें. डिहाइड्रेशन, डी विदाउट, देर इज लॉस ऑफ, विदाउट वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर. क्या किया, ये H2O को निकाल दिया यहां से, और अब बचा कौन, RCN. RC की वैलेंसी 4, 1, 2, 3, 4, N की वैलेंसी 3, 1, 2, 3. What is formed here is cyanide. तो amide की uniqueness देखो, है acid derivative, but it can lead to formation of amide. It can lead to formation of cyanide. तो अगर मेरे को plain alkene से या alcohol से भी cyanide बनाना है, तो मेरा step कैसा रहेगा? Alcohol को मैं oxidize करूंगी, right? Into acid. Acid can be converted into amide, and amide can be very easily converted into cyanides. It can be converted into amines. Clear? That is all about the general aspects of amide and the unique reactions that only amides show and not the other acid derivatives show. Keep liking, keep subscribing this channel, and I'll be coming with more videos on Hoffman degradation of amide.